दोस्तों अगर आप रेलवे एन ग्रुप डी लोको पायलट जूनियर इंजीनियर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपके लिए ये एल बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हुआ है इसमें आपको चार हजार से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिसमें आपको ऑनलाइन के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे साथ ही साथ एम मिलेंगे और जितने भी सोल्यूशन दिए गए हैं ना वो सब के सब ट्रिक के साथ दिए गए हैं सो दैट आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है जिससे आप परख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं साथ ही साथ रेलवे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस बुक की कीमत सिर्फ और सिर्फ पैंतीस रुपये है अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है बुक खरीदने का उससे खरीदेंगे तो आपको पैंतीस रुपये मिल जाएगा ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक मैंने ही पढ़ी हुई है बुक बहुत ही अच्छी है बुक आप जरूर खरीद लें अगर आपको बुक खरीदना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन उसमें किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है तो उस लिंक से आप जरूर खरीद लें आपको सिर्फ पैंतीस रुपये में ये किताब मिल जाएगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैथसिको चैनल पे दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो है रिपीटेड सीरीज के ऊपर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ लेटर दिया रहता है ब्लैंक दिया रहता है उस सीरीज को फुल फुल करना है तो ये रीजनिंग से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कम से कम चार या पांच क्वेश्चन आ जाते हैं जहां से आपका अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो पांच अंक यहां से आपके पक्के हो जाते हैं वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड सीरीज से तो यहाँ से कम से कम आपके पांच अंक पक्के हो जाएंगे वीडियो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को स्किप नहीं करना है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को दो से तीन सेकंड के अंदर कर देंगे देख के ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे ट्रिक ये है कि जितने भी नंबर दिए रहते हैं यहाँ पे अल्फाबेट दिए रहते हैं ये जो गैप है उन सबको ले के टोटल काउंट करना है कि ये कितने डिजिट होते हैं उसके बाद इन सब का हम लोग पेयरिंग बनाएंगे पेयर बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर पहले काउंट करते हैं देखिए क्या है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे गैप दिया उसको भी काउंट करें तो टोटल बारह डिजिट के हैं तो चार थी या ही बारह तीन तीन के करके चार ग्रुप बन सकते हैं या फिर चार चार के करके तीन ग्रुप बन सकते हैं तो मैं यहाँ पे चार चार करके तीन ग्रुप बनाना कोशिश कर रहा हूं तो चार डिजिट कौन सा होगा ये ए गैप बी ए ये एक ग्रुप हो गया फिर ब्लैंक से बी बी फिर ब्लैंक फिर ए बी ब्लैंक ए ये तीन ग्रुप हो गया चार चार डिजिट करके तीन ग्रुप हो गया अब इस पर हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ग्रुप में देखेंगे तो ए के बाद क्या है बी है तो फर्स्ट वाले में ए के बाद हम लोग क्या भर सकते हैं यहाँ पे बी भर सकते हैं ठीक है थीके? तो क्या हो गया ए बी बी ए तो यहाँ पे भी ऐसे ही भरेगा यहाँ पे पहला भरेंगे ए तो ए बी बी ए हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या ए बी और यहाँ पे क्या भरेंगे बी तो इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से एक बार देख लीजिए एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा तो सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे कितना होगा तो टोटल तो ये बारह डिजिट का हो रहा है ठीक है तो टोटल ब्लैंक के साथ अब देखिए यहाँ पे तो इसको चार चार भाग में बांटेंगे तो एक दो तीन चार तो ये चार यहाँ पे पूरा हो रहा है फिर एक दो तीन चार चार यहाँ पे पूरा हो रहा है एक दो तीन चार ऐसे करके पूरा हो रहा है अब देखिए रिपीटेड कौन सा क्वेश्चन है तो लास्ट वाला देखेंगे तो ए के बाद क्या रहा? आ रहा है बी आ रहा है तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले में ए के बाद क्या आएगा बी तो फर्स्ट वाले में क्या बन जा रहा ए, ब, भ, है ए बी बी ए मतलब ये चारों में आना चाहिए तो यहाँ सेकेंड वाले में ए बी बी ए फिर उसके बाद ए बी बी ए तो क्या क्या हम लोगों ने भरा पहले में जो ब्लैंक था वो पे भरा बी फिर उसके बाद में दूसरे वाले में ए भरें उसके बाद ए भरें उसके बाद बी भरें तो हमारा ये जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा बी ए ए बी हमारा आंसर हो जाएगा तो बी ए ए बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही हो जाएगा आई होप आप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो स्किप नहीं करना है अब यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे हम लोग टोटल कितने होते हैं तो क्या है देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ भी है बारह तो चार थी यहीं बारह चार चार करके तीन का पेयर लेते हैं तो चलिए यहाँ पे हम लोग पेयरिंग बना लेते हैं तो एक दो तीन चार यहाँ तक आ गया फिर उसके बाद एक दो तीन चार यहाँ तक आ गया फिर आर टी से ये दो चार 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 का ग्रुप हो गया अब यहाँ देखिए सेकंड लास्ट वाले में देखिए आर के बाद क्या है टी है तो यहाँ पे आर के बाद हम लोग टी बैठा देते हैं उसके बाद देखिए यू यहाँ पे यू है यू के पहले क्या है एस है तो यहाँ भी यू के पहले क्या आ जाएगा एस आ जाएगा तो आर टी एस यू तो ये इस चारों में तीनों में होना चाहिए तो आर टी एस यू हो गया यहाँ पे यहाँ भी आर और टी हो जाएगा यहाँ पे आर टी है यहाँ पे एस यू डाल देंगे तो क्या क्या डाले हम लोग ने पहले में टी डाले उसके बाद एस डाले सेकेंड वाले में आर डालें फिर टी डाले फिर थर्ड वाले में एस और यू डालें तो टी एस आर टी एस यू ये जहाँ होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा तो टी एस आर टी एस यू ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा बहुत ही सिंपल है आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कितने नंबर का है कितने डिजिट का है और उसको पेयरिंग में काट देना है पेयरिंग में डिवाइड कर देना है आप तीन थ्री इज टू फोर मतलब तीन तीन करके भी कर सकते हैं देखना पड़ेगा वो उससे होता है कि नहीं होता है फोर से हो जा रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और है यहाँ पे चलिए इसको काउंट करते हैं टोटल कितने डिजिट का है तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह तो ये टोटल कितने डिजिट का हो जाए ये टोटल अट्ठारह है तो अट्ठारह कैसे होता है नौ गुना दो होता है नौ नौ करके का दो का पेयर इम्पॉसिबल ऐसा कभी भी आपको देखने का नहीं मिलेगा तो दो गुने नौ तो दो दो करके नौ का नौ का पेयर ये भी नहीं देखने को मिलेगा और भी हो सकता है थ्री टू सिक्स तीन छः तीन छः का अठारह और छियाँ अठारह ये भी हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं तीन तीन का करके छः बनाते हैं क्योंकि छः छः का बहुत ही कम आपको रेयर मिलता है अगर आप ऐसे सीक्वेंस में छः डिजिट का बैठाएंगे तो ऐसे आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है तो इसको सबसे पहले क्या करना है तीन तीन में कर देते हैं तो सी ए बी पहला ये है हो गया उसके बाद बी ए ब्लैंक उसके बाद सी ए बी टोटल आ गया ब्लैंक नहीं है फिर ब्लैंक ए सी ब्लैंक ए बी उसके बाद ब्लैंक ए सी अब हमको फिलअप करना है तो पहला अगर उठाते हैं पहला ब्लॉक तो इसमें देखिए सी के बाद ब्लैंक है तो यहाँ पे देखेंगे और कहीं सी के बाद कैसी के बाद ए है तो यहाँ पे ए भर देंगे तो पहला हमारा ए आ गया ठीक है क्लियर है ऐसे करते रहेंगे उसके बाद देखिए बी ए है यहाँ पे तो ए के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा इस ब्लॉक में देखेंगे ए के बाद सी है और यहाँ पे एक पहले क्या है बी है इस ब्लॉक में एक पहले क्या है बी है तो यहाँ पे बी भर देंगे तो ये हो जाएगा बी ए सी हो गया तो यहाँ पर भी बी ए सी हो जाएगा ऐसे करना है उसके बाद और क्या है सी ए बी यहाँ पर भी हो जाए यहाँ पर भी सी ए बी हो गया बचा क्या यहाँ पर सी हो जाएगा बी सी यहां पे जाएगा। तो ए सी यहाँ पर सी हो जाएगा तो सी ए सी बी सी बी ये हमारा आंसर हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर दो में है चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल है आपको पहले अट्ठारह है तो तीन तीन करके बनाना है तो सी ब्लैंक बी ये तीन हो गया फिर बी ए ब्लैंक सी ए बी इसमें कोई है नहीं ब्लैंक उसके बाद ब्लैंक ए सी ब्लैंक ए बी उसके बाद ब्लैंक ए सी अब इसको हम लोग को फिलअप करना है तो सबसे पहला ब्लॉक उठाते हैं सी के बाद ब्लैंक है अब यहाँ पे देखेंगे पूरे ब्लॉक में कि सी के बाद क्या आ रहा है तो ये आप इस ब्लॉक में देखेंगे तो सी के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पे ए भर देंगे तो पहला आंसर हमारा ए आ गया उसके बाद देखिए और मैच करते रहेंगे सी ए बी हो गया यहाँ पे और कहाँ हो सकता है सी ए बी इस वाले ब्लॉक में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी ए बी इसका मतलब यहाँ पे सी ए चाह सी चाहिए तो सी ए बी सी ए बी इधर हो गया अब देखिए यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में क्या है बी ए ए के पहले क्या है बी है तो जहाँ जहाँ ए है उसके पहले बी बैठाएंगे तो इस ब्लॉक में भी बी बैठेगा इस ब्लॉक में भी बी बैठेगा और यहाँ पे बी ए यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा सी तो आंसर क्या आ जा रहा है सी ए सी बी सी बी तो ये हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर टू आई होप आप सभी को क्लियर है अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए इसको भी काउंट करना सबको यही ट्रिक है सबका यही ट्रिक है काउंट करते रहना है क्या करना है देखिए यहाँ पे कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह है तो सोलह को कैसे कर सकते हैं हम लोग आठ गुने दो तो आठ करके दो ब्लॉक नहीं होता है ऐसा कभी बन ही नहीं सकता है जिस तरह नौ और दो का था दो गुने आठ ये भी नहीं बन सकता है क्या बन सकता है चार गुने चार 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 करके चार ब्लॉक बन सकता है ये पॉसिबल है ठीक है ये बहुत बड़ा हो जाता है दो और आठ का ब्लॉक जो है बहुत बड़ा हो सकता है आप खुद ही इमेजिन करिए कि दो दो करके ये ऐसे करके आठ ब्लॉक बनाएंगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा या फिर अगर आप आठ करके मतलब आठ आठ करके ऐसे दो ब्लॉक बनाएंगे तो वो भी काफ़ी लेंदी हो जाता है तो ये अच्छा नहीं है फोर क्रॉस फोर मतलब चार चार सोलह होता है तो इसका हम लोग तो तो चार, 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 चार अब भरना शुरुआत सुरु, करते हैं देखिए पहले में देखिए लास्ट में देखिए एम ओ पी है मतलब एम, ओ के बाद क्या गा? पी आएगा यहाँ पे ब्लॉक में उसके बाद एन है इसका मतलब क्या है इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में ओ पी के पहले क्या आएगा एम आएगा और पी के बाद क्या आएगा एन आएगा तो एम ओ पी एन ये हर बॉक्स में होना चाहिए तो इसमें एम ओ पी एन हो गया इसमें एम ओ पी एन हो गया यहाँ पे भी एम और ओ चाहिए यहाँ पे लास्ट में एन चाहिए ठीक है तो सबसे पहले आंसर क्या पहले में एम एम चाहिए था यहाँ पे ठीक से कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्या चाहिए एम यहाँ पे चाहिए एन तो पहला एम और दूसरा एन उसके बाद एम ओ फिर यहाँ पे पी चाहिए तो पी आएगा फिर एन खत्म हो गया यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही है एम एन पी फिर एम ओ एन यहाँ पर लगेगा ठीक है चलिए आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला के कि मैं कितने डिजिट हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस है तो दस को कैसे करते हैं पाँच गुना दो कर सकते हैं है ना तो पाँच गुना दो भी कर सकते हैं और दो गुना पाँच भी कर सकते हैं तो पाँच गुना दो करते हैं हम लोग तो पाँच पाँच करके हम लोग डिजिट लेते हैं एक बार में पाँच ले ले देते हैं तो चलिए पाँच को घेरते हैं एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे ये यह पाँच हो जाएगा और यहाँ पे ये यह पाँच हो जाएगा तो पाँच पाँच करके दो ब्लॉक हो गया तो क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए बी आर है तो यहाँ पे सेकंड ब्लॉक में बी के बाद आर होगा ठीक है लास्ट में एन है यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे बी आर ओ बी आर ओ तो यहां पे क्या भर सकते हैं हम लोग डब्ल्यू भर सकते हैं तब ब्राउन हो जा रहा है है ना बी आर ओ डब्ल्यू एन यहां पे बी आर ओ डब्ल्यू एन तो क्या क्या भरे ओ भरे डब्ल्यू भरे लास्ट वाले में क्या भरे आर भरे और डब्लू भरे तो ओ डब्ल्यू आर डब्ल्यू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एक जो है सही हो जाएगा आई थिंक सबको क्लियर है बहुत ही सिंपल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अभी बहुत सारे डिजिट है तो उसको कैसे करेंगे ऐसे ही ट्रिक्स करना है आपको सारे के सारे क्वेश्चन को चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कितना डिजिट है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह है मतलब वही फ़ोर क्रॉस फोर करके करेंगे हम लोग ठीक है चलिए तो इसको फोर क्रॉस फोर में इसको हम लोग काटते हैं पहले एक दो तीन चार ये हो गया फिर एक दो तीन एक दो तीन चार यहाँ यहाँ तक यह आ जाएगा उसके बाद एक दो तीन चार ये हो जाएगा फिर एक दो तो, तीन चार ये हो जाएगा अब देखिए एम के है इधर भी एम के इधर भी है उसके पहले क्या है के एम के इधर है पूरा हम लोग को अच्छे से ढूंढना है ठीक तो है तो यहाँ पे देखिए इस वाले ब्लॉक में थर्ड वाले ब्लॉक में के बाद क्या एल है तो यहाँ पे एल भर देंगे तो पहला हमारा आंसर एल आ गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर के, के पहले क्या एम है तो यहाँ पे भी एम भरा जाएगा तो यहाँ पे के एल एम के हो गया यहाँ पे भी के चाहिए के एल यहाँ पे एम हो जाएगा ये जो है ये वाला एम हो गया उसके बाद यहाँ पे एल भरा आ जाएगा तो आई थिंक आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इस बार तो इस, इसका आंसर क्या हो जाए एल के एम एल तो एल के एल एम ऑप्शन नंबर एक जो है सही हो जाएगा एल के एल के एम एल सॉरी एल के एम एल ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पे एल के एम एल ठीक है तो ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये और बहुत ही ईजी है तो चलिए टोटल सोलह है तो चार चार करके करेंगे एक दो तीन चार ये हो गया फिर एक दो तीन चार ये हो गया उसके बाद एक दो तीन चार ये हो गया एक दो तीन चार ये हो गया अब इसमें फिलअप करना है सेकेंड वाला अगर बॉक्स देखेंगे हम लोग सेकेंड वाले बॉक्स में तो क्या है एम के के पहले क्या एल है तो जहाँ जहाँ एम के दिख रहा है उसके पहले हम लोग एल लगा देंगे तो यहाँ एल हो जाएगा यहाँ एल हो जाएगा पहले वाले बॉक्स में पूरा फिल हो गया एल हो गया दूसरे वाले बॉक्स में देखिए अब पहले वाला बॉक्स चेक करेंगे तो एल के, के पहले क्या है के तो यहाँ पे के बैठा देंगे तो दूसरे वाले बॉक्स में भी के आ जाएगा उसके बाद तीसरे वाले बॉक्स को देखिए के एल तो यहाँ पे टोटल क्या है के एल एम के तो के एल यहाँ पे एम हो जाएगा तो तीसरे वाले बॉक्स से हमको एम मिल गया सेकंड वा, लास्ट वाले बॉक्स से क्या हो जाएगा के बाद एल के के बाद एल तो एल के एम एल ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के दिखाए हैं ये प्रीवियस ईयर में एन और ग्रुप डी में पूछे गए थे क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला बहुत ही अच्छा है इसको आप जरूर मेरे साथ साथ करें कितने डिजिट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह डिजिट है मतलब चारती बारह चार चार करके तीन ठीक है तो चलिए तीन बी ए ये हो गया चार फिर बी ए बी ब्लैंक चारी बी ए बी ब्लैंक ऐसे हो गया अब देखिए यहाँ ये यह लास्ट वाले ब्लॉक में देखेंगे तो बी ए बी है मतलब फर्स्ट वाले में बी ए के बाद बी भर देंगे क्लियर है तो बी ए बी सी हो गया बी ए बी सी ये चार डिजिट का हो गया तो पहले से क्या मिला बी मिल गया हम लोग को बी ए बी सी उसका मतलब क्या है यहाँ पे सेकंड वाले में ए होगा लास्ट वाले में सी होगा तो यहाँ पे भी मिल गया ए सी तभी तो बी ए बी सी रिपीट होगा तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा तो यहाँ से सी मिल गया तो बी ए सी सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये है ऑप्शन नंबर सी बी एस सी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार चार से पाँच नंबर का आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में आ जाते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें अगर आपको आर आर बी एन टी पी सी और ग्रुप डी का स्पेशल नोट चाहिए एग्जाम स्पेशल नोट चाहिए तो नीचे दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम समय में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए नोट्स बनाया गया है और बहुत ही कम प्राइस में आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है बहुत ही कम कम प्राइस में ये नोट्स आपको एग्जाम स्पेशल नोट्स दे दिया जाएगा चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो